फ्रेंड्स आज की वीडियो है। एक भाई मुझे कमेंट करता था मुझे स्विमिंग नहीं आती। भाई देख ये जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है कितना छोटा बच्चा है, ठीक है। ये पानी में प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते इसको स्विमिंग आएगी, जैसे नॉर्मली इजीली प्रैक्टिस करते करते ही स्विमिंग आती है। देखो जैसे ये छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कमेंट आते हैं कि भाई मुझे स्विमिंग नहीं आ रही, मैं क्या करूँ क्या करूँ। अगर ये ऐसे रहेंगे तो ऐसे मस्ती ऐसे करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप प्रैक्टिस करो, जितना आप कमेंट पे फोकस कर रहे हो इतना कमेंट पे फोकस मत करो, आप प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करो। जितना आप प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट होगा उतनी ही आप अच्छी स्विमिंग कर पाओगे। ये देखो ये मस्ती कर रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट करते हो कभी रोने वाली इमोजी लगा के कि हाँ भाई मुझे स्विमिंग नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। अगर आपको स्विमिंग नहीं आ रही तो आपको स्विमिंग की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तभी आएगा। कमेंट करने से स्विमिंग कभी भी नहीं आएगी, याद रखना। कमेंट करने में स्विमिंग सी या जो आपकी टिप्स है ना, वो मतलब कि आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हो। पर आप कह रहे हो मुझे स्विमिंग ही नहीं आ रही, स्विमिंग का सीन क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो स्विमिंग आएगी। आप काफ़ी बार मुझे कमेंट करते हो कि हाँ भाई मुझे स्विमिंग नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मुझे स्विमिंग नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। भाई स्विमिंग नहीं आ रही, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो स्विमिंग आएगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे स्विमिंग नहीं आएगी। आप मुझे रोने वाली इमोजी भेजोगे उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि आपको स्विमिंग आ जाएगी, नहीं आएगी। सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस। आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप मेरी वीडियो देखो। ओवरऑल मैंने सभी वीडियो बनाई हुई है बिगिनर्स के लिए खासकर, उसमें आप चेक करो, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। आपको ब्रीथिंग नहीं आ रही, आपको फ्लोटिंग नहीं आ रही, आपको किकिंग नहीं आ रही, आपको क्या नहीं आ रहा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पर आपकी एक काफ़ी कमेंट आते हैं आपके कि भाई मुझे स्विमिंग नहीं आ रही। भाई अगर आप घर में लेटे पड़े हो और आप मेहनत कर नहीं रहे हो तो आपको स्विमिंग कैसे आ जाएगी? भाई छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो स्विमिंग सीख रहे हैं। अब आप पानी में जाके प्रैक्टिस करो, आपको स्विमिंग आ जाएगी। तो जैसे काफ़ी कमेंट करते हो तो मैं इसका क्या रिप्लाई करूँ, भाई मुझे स्विमिंग नहीं आ रही, मैं क्या रिप्लाई करूँ, बताओ मुझे इसका। तो सीन क्या है कि आप प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करो। और आज मुझे बैक स्ट्रोक की बनानी थी तो आपको बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई मुझे स्विमिंग नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। आएगी, प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। आज नहीं आएगी कल आएगी, कल नहीं आएगी परसों आएगी, पर आएगी जो ये कन्फर्म है आपको स्विमिंग आ जाएगी। क्योंकि इतने मुश्किल तो है नहीं, चार स्टेप है इजिली, फ्लोटिंग, ब्रीथिंग, किकिंग, हैंड मूवमेंट, बस ये चार चीज़ें हैं, आपको इजिली आ जाएगी। चाहे आप जैसे मर्जी प्रैक्टिस करो, आप ये होगा कि आपको 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, एक महीना लग जाएगा, पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको स्विमिंग आ जाएगी। आप हौसला मत हारो और रोने की इमोजी से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। अगर आपको प्रैक्टिस में दिक्कत हो रही है तो आप मेरी प्लेलिस्ट स्विमिंग की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको छोटे बच्चे इसीलिए दिखाए, नहीं तो बड़े भी दिखा सकता है। छोटे बच्चे इसलिए दिखाए तो जो आपको पता लगे कि नहीं छोटे बच्चे प्रैक्टिस करते तभी उनको स्विमिंग आती है। मैं भी जब बिगिनर था तो मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे स्विमिंग आई। अगर मैं भी ऐसे करता था स्विमिंग यार मुझे आती नहीं मैं क्या करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही उसकी वीडियो बनाओ, फिर जो मैंने वीडियो बनाई है वो देखो, आपको पता चल जाए। तो बस आज के इतना काफ़ी है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो भाई ये स्पेशल उसके बहुत ज़्यादा कमेंट आने की वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, नहीं तो मैंने दूसरी अलग से वीडियो बनाई। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।